हेलो एवरीवन सो लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था जिसमें कि आपके पास इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एल्स नेस्टेड इफ एल्स और इफ ये सारे स्टेटमेंट्स आपके पास थे आज हम पढ़ रहे हैं लूप्स क्या होते हैं और इनको हम इटिरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं तो लूप का यूज़ कब किया जाता है सो so जनरली जब हम क्या करते हैं अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो नॉर्मली प्रोग्राम टॉप से बॉटम की तरफ एग्जीक्यूट हो रहा होता है अब सपोज़ मुझे प्रिंट कराना है ई इज़ द बेस्ट टेन टाइम्स तो जनरली मुझे क्या करना पड़ेगा टेन बार प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ई इज़ द बेस्ट लिखना पड़ेगा अब सपोज़ टेन टाइम तो आप लिख भी सकते हैं बट अगर आपको थाउजेंड टाइम प्रिंट करानी है अगर कोई चीज़ तो आप उसको थाउजेंड टाइम नहीं लिखेंगे दैट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कोड को एक लूप के अंदर रख सकते हैं और एक कंडीशन जब अचीव हो जाएगी मीन्स अगर आपकी जो कंडीशन है थाउजेंड टाइम आपको कोई स्टेटमेंट चाहिए तो कंडीशन जब अचीव हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा वो लूप क्या हो जाएगा रुक जाएगा और इस लूप का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम समझें तो ये कहाँ होता है यूज़ जो हमारी प्ले लिस्ट होती है म्यूज़िक प्लेयर में जो प्ले लिस्ट होती है तो जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं एक एक करके चलते रहते हैं और कब स्टॉप होता है जब हमारा लास्ट सॉन्ग क्या हो जाता है प्ले हो जाता है तो लूप हमारे क्या होते हैं प्रोग्राम के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट part को सर्टेन नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसमें कंडीशन देना भी ज़रूरी होता है तो यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइप्स के लूप हम पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट होगा वाइल लूप सेकेंड होगा डो वाइल लूप और थर्ड होगा फॉर लूप तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइल लूप तो लूप्स का तो सबका काम एक ही है किसी पर्टिकुलर कोड को फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम क्या कराना एग्जीक्यूट करवाना बस इनके सिंटेक्स चेंज होंगे लिखने का तरीका अलग है बट सब में एक चीज़ कॉमन होगी तो पहली होगी इनिशियलाइजेशन सेकंड होगी आपकी कंडीशन और थर्ड होगी आपकी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट राइट right? तो किसी भी लूप के लिए तीन कंडीशन होना आपका नेसेसरी है पहला है इनिशियलाइजेशन की आप इनिशियलाइज करेंगे वन से लेके कहां तक हंड्रेड तक तो हंड्रेड क्या हो गई कंडीशन और इनिशियलाइजेशन क्या हो गया उसका वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मीन्स अगर आपको वन से हंड्रेड चाहिए तो आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और अगर आपको हंड्रेड से वन की तरफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा डिक्रीमेंट तो यह सारी चीज़ें हम प्रोग्रामिंग में अभी सीखेंगे बस आपको ध्यान रखना है किसी भी लूप में ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है राइट right? तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो हमारी क्या होगी इनिशलाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कंडीशन अगर ट्रू होती है कंडीशन अगर ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप मतलब जो भी आपने कोड लिखा है वाई लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा फिर क्या होगा कंडीशन चेक होगी फिर अगर ट्रू होती है तो फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा फिर कंडीशन चेक होगी इस तरह से मतलब बार बार आप इस तरह से ऐसे चलते रहेंगे राइट right? बट अगर अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा इसके बाद वाई लूप के ब्रैकेट के बाद जो कोड लिखा है सीधा वो क्या होगा एग्जीक्यूट होगा तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है तो ये इसका सिंटेक्स है यहाँ पे. पे सबसे पहले आप इनिशियलाइज करेंगे सपोज आई इज इक्वल टू वन इस तरह से फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे सपोज आई लेस देन इक्वल टू टेन फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगी तो इस तरह से आप लिखेंगे तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज यूजल एक कमेंट एड कर लेंगे Print uh, 1 to 10 using while loop, and then after that, we will uh, write our uh, preprocessor directive and then our header file studio.h. And after that, we will uh, write our main function. Right? So, this is the basic step we used to follow in our C programming. Then, after that, what you have to do int i is equal to 1. सो so, यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं कि i की वैल्यू क्या है वन आप ध्यान देंगे कि जनरली जो लूप्स के प्रोग्राम हैं उसमें हम i का यूज करते हैं बिकॉज i फॉर इटीरेशन है ना तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तो दीज आर इटीरेशन फर्स्ट इटीरेशन सेकेंड इटीरेशन राइट तो इसलिए जनरली i का यूज़ किया जा सकता है आप कुछ भी लिख सकते हैं अब uh, वाइल i इज लेस लेजन इक्वल टू टेन अब मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ दिस इज कंडीशन कि आई की वैल्यू वन है और कहाँ तक जाएगी टेन तक वन से लेकर टेन तक और आप ध्यान देंगे कि वाइल भी डार्क ब्लैक बोर्ड कलर में आया है इसका मतलब है कि ये भी आपका एक कीवर्ड है अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे अपना कोड सपोज में वन टू टेन प्रिंट कराना चाहती हूँ तो आई की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी तो परसेंटाइल डी एंड यहाँ पे आ जाएगा आई और i की वैल्यू क्या होगी i इज इक्वल टू आई प्लस वन यहाँ पर मैं इसको इंक्रीमेंट कर रही हूँ और इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे हम स्लैश एन भी लगा सकते हैं ताकि जो नई वैल्यू है वो न्यू लाइन से आए एंड वी विल क्लोज द ब्रैकेट एंड वी विल सेव अवर प्रोग्राम राइट तो यहाँ पे क्या होगा जनरली कोडिंग चलेगी कैसे कि जो आई की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है वन और कंडीशन दी है आपने आईज लेजन इक्वल टू टेन तो फिफ्थ केस में आई वन है तो सिक्स लाइन में क्या होगा सिक्स वाली लाइन में आपका क्या होगा आई लेजे इक्वल टू टेन क्या वन लेन इक्वल टू टेन ये कंडीशन ट्रू है यस yes, ये ट्रू है तो हम इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे राइट right? ये कंडीशन ट्रू है इसलिए हम इस ब्लॉक के अंदर आ गए और इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हमारा एक एक करके जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे तो पहला स्टेटमेंट ये क्या है प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एक इंटीजर प्रिंट होगा जो कि किसकी वैल्यू आई की वैल्यू और आई की वैल्यू अभी क्या है वन फिर स्लैश एन मतलब एंटर अब आई की वैल्यू देखो नाइन्थ लाइन में क्या हो चुकी है आई प्लस वन तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे टू नाइन्थ लाइन में आई की वैल्यू हो चुकी है टू अब हम फिर से आएंगे टेंथ लाइन पे टेंथ के बाद जाएंगे हम सिक्स लाइन में राइट right? तो फिर से कंपैरिजन होगा अब आई की वैल्यू टू टू लेस देन इक्वल टू टेन अगेन द कंडीशन इज ट्रू देन दिस विल पार्ट विल एग्जीक्यूट तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका टू और नाइन्थ लाइन के अकॉर्डिंग इस बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री तो ये बार बार क्या होता रहेगा कंडीशन चेक होती रहेगी और जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे सपोज हो चुकी है टेन तो इस केस में लेजन तो नहीं है बट इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे आपका एट्थ लाइन के अकॉर्डिंग टेन प्रिंट होगा और आई की वैल्यू नाइन्थ लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी इलेवन तो जैसी इलेवन होगी तो हम फिर से वापस जाएंगे कहाँ सिक्स लाइन में और वहाँ पर जब कंडीशन चेक की जाएगी तो इलेवन इज लेजन इक्वल टू टेन कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा स्किप और सीधा प्रोग्राम क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा सो इस तरह से इसकी वर्किंग होगी